यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते ये हिंदू वाहिनी संगठन के लोग हैं जो यूपी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मामला बिजनौर जनपद के मंडावर थाने का है, जहां 24 मई को आरिफ नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शक के आधार पर आशीष नाम के लड़के को उठाकर थाने में पूछताछ के लिए ले गई, लेकिन आशीष का इस हत्या में कोई हाथ नहीं था। पुलिस ने उसे छोड़ दिया, लेकिन थाने से लौटकर आशीष ने जो बताया वह हैरान करने वाला था। पुलिस ने उसके साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया। पुलिस उसे जबरदस्ती जुर्म कबूलने को कहती रही और उसके साथ मारपीट भी करती रही। वहीं पुलिस उसे डरा रही थी कि उसे पेट्रोल डालकर आग लगा देंगे। इसी के चलते आशीष सैकड़ों हिंदू संगठनों के साथ अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ इंसाफ के लिए मंडावर थाने पहुंच गया और जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं आशीष ने पुलिस से कहा कि मुझ बेकसूर में आप क्या आग लगाएंगे, मैं सबके सामने ही अपने आप को पेट्रोल डालकर आग लगा लेता हूँ। मामले का तो सर मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन बिजनौर में जॉब करता हूँ, वहाँ से मुझे ठाके लाए। खाने खाने के लिए गया था, वहाँ से ठाके लाए, यहाँ पे बिठा दिया उन्होंने लाके, फिर तीन चार रैपट मारे। रैपट मारने के बाद फिर एसओ साहब है, एसओ साहब बोलते हैं कि ऐसे नहीं बताया गया, बदमाश है ये अच्छा बदमाश है पहले से ही। तो तोमर साहब कहते हैं 7 साल जेल में रही है, जबकि 7 साल में कभी आज तक रहे भी ना। जब छूटते के साथ ही बोलते हैं और बोले कि 1 घंटा इनकी मालिश करो, अंदर ले जाओ, पेट्रोल डाल के आग लगा दी। अजत में कुछ मांगा वो मेरी बात नहीं। अच्छा, ये जो आप अभी आप तेल छिड़क के आग लगा रहे थे, क्या इसमें क्या कहना आपका? वो तो इन्होंने कहा था कि हमारे सामने आग लगा, तो मैं ठीक है जी, तो वो पेट्रोल की बोतल इन्होंने छीनी फिर हमसे। मटर वाला कौन सा मामला बता रहे हैं आप? मटर वाला कौन सा मामला बता रहे हैं? मटर का तो ये बता, हमें क्या पता, फर्जी मामला लगा रहे हैं इस पर, फर्जी मामला लगा रहे हैं, पता नहीं किसका मर्डर कहाँ हुआ, वो मुझे ठहरा ही कह रहे हैं कबूल कर लो। मर्डर क्या हुआ वहाँ पे, इसे कबूल करने के लिए कहा जा रहा है कि तू इसे कबूल कर कि मर्डर तूने कराई है, ऐसा कैसा कबूल कर लेगा, ऐसा तो कभी भी किसी को भी। आशीष ने तुरंत पेट्रोल अपने ऊपर डाल लिया, जिसके चलते पुलिस ने तुरंत आशीष को पकड़ लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह पेट्रोल अपने ऊपर डाल रहा युवक आशीष है, जो इंसाफ के लिए थाने के सामने प्रदर्शन कर रहा है। वहीं इस मामले की सूचना सीओ सिटी को मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने की बात कही। उनका कहना था कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आशीष एक है यहाँ के, इनको पुलिस पकड़ लाई थी पूछताछ के लिए, इसी बात पर रोष था कि उन निर्दोष को लाया गया, इसकी मैं जांच कराऊंगा, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पेट्रोल भी छिड़क के आग लगा रहे थे, इसमें भी इस संबंध में लोग भावेश में थे, गुस्से में थे, ऐसे कोई बात की नहीं उन्होंने, समझ गए समझाने से। बाकी जो पुलिस वाले दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। शिडी न्यूज दिल्ली संवाददाता, उत्तर प्रदेश बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट।